नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता प्रतिनिधि जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम जो है पिछले वीडियो में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की जब हम बात कर रहे थे तो हमने राजस्थान के अंदर आदिम मानव से शुरुआत की और प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल का जिक्र किया। साथ ही हमने जो है वो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल की बात की। इसके बाद हमने ये कहा था कि आपके सिलेबस में हम जो है इनमें से इन जिस भी काल के अंदर जो भी स्थल राजस्थान का है दिया हुआ है उसे पढ़ेंगे। तो आज हम एक विशेष स्थल की बात करते हैं। हमने पिछले वीडियो में मैप के माध्यम से हम आपको विभिन्न स्थल भी बताए थे और ये भी जिक्र किया था कि इनमें से कुछ जो है स्थल है वो आपके जो सिलेबस या पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं उनको हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं आज बागोर की सभ्यता की। बागोर की सभ्यता की बात करते हैं और इसके लिए कहा गया है कि भीलवाड़ा जिले में बागोर एक कस्बा है। तो यह जो है यह एक कस्बा है जो कि भीलवाड़ा जिले में है। बागोर जो है वह भीलवाड़ा से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है, जो बनारस की सहायक नदी यह जो है यह भीलवाड़ा से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और यह जो है स्थल इसको बड़े रूप में लिखते हैं बागोर। बनारस की सहायक नदी एरो जो है उधर लगाते हैं, सहायक नदी कोठारी के तट पर यह स्थल देखने को मिलता है। कुछ विद्वान इसे भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील में भी बताते हैं। तो कुछ विद्वान जो है वह भीलवाड़ा की मांडल तहसील में भी इसका जिक्र करते हैं। विद्यार्थियों, ये छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने बनते चले जा रहे हैं कि कहाँ स्थित है और उसके बाद में किस नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न ये है कि इसका स्थल का इस स्थल की खोज या उत्खनन किसने करवाया। तो खोजकर्ता में नाम मिलता है 1967-70 के मध्य इनका जो उत्खनन है वह करवाया है वीएन मिश्र एवं डॉक्टर एल एस लेशनी ने। वी एन मिश्र एवं डॉक्टर एल एस लेशनी द्वारा जो है इनका खोजकर्ता इन्हें मानते हैं इसका उत्खनन करवाया है। इस अवधि में 67-68 से लेकर 70 के बीच में जो है वीएस डॉक्टर एल एस लेशनी और वीएन मिश्र जो है वो राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग यह जो है राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग एवं दक्कन कॉलेज पुणे के तत्वाधान में किया गया उत्खनन एवं दक्कन कॉलेज
पुणे। तो राजस्थान राज्य प्राप्त विभाग और दक्कन कॉलेज ने जो है संयुक्त रूप से इन्हें नेतृत्व दिया कि इन्हें जो है इस स्थान का उत्खनन करवाना है। ठीक है। और खुदाई में जो है वह विभिन्न जानकारियां मिली। तो बागौर की जब बात करते हैं तो देखते हैं कि यहां पर जो है वह उत्खनन वह 3 चरणों में संपन्न हुआ। ठीक है। अब आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि यहां से जो है ये स्थल ये सभ्यता जो है वो कब की मानी गई है। तो विद्यार्थियों 3000 से लेकर 2000 ईसा पूर्व की एक प्रश्न जो है यहां से छोटा यह भी बनता है कि बागोर स्थल जो है वो लगभग 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व का यह स्थल माना जाता है। ठीक है। समय दे लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास का समय लग रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यहां से हमें कांस्य के या तंत्र के या पाषाण के अवशेष मिलेंगे। और मानव सभ्यता की अगर बात करते हैं मानव की तो लगभग 4500 जो है के आसपास 4500 ईस्वी पूर्व के आसपास मानव सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लगभग 4500 ईसा पूर्व में मानव को जो है यहां पर अस्तित्व में रहा और 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व में जो है बागोर संस्कृति विस्तृत रूप से विकसित रही। 3000 से 2000 ईस्वी पूर्व में संपन्नता का काल इसका रहा है। ठीक है। तो इस संदर्भ में जब बात करते हैं तो ये देखते हैं विद्यार्थियों यहाँ की खुदाई जो है वह इस आधार पर यहाँ की खुदाई जब की गई तो यहाँ पर आदि मानव सभ्यता के विभिन्न 3 युग मिले। तो 3 चरणों में यहाँ पर खुदाई की गई। प्रथम चरण लगभग 4480 से लेकर जो है 3285 तक माना गया है। द्वितीय चरण जो है वह 3000 से लेकर 2000 और तृतीय चरण जो है वह 2000 से 500 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। तो प्रथम चरण की बात कर लेते हैं 3 चरणों में संपन्न और 3 चरणों में प्रथम चरण द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण। अब इनका जो है वह कार्यकाल देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कुछ इतिहासकार तो 4480 या 3500 या 3835 से लेकर जो है 3285 और कहीं कहीं 3000 ईस्वी पूर्व बताते हैं। और द्वितीय चरण जो है कहीं कहीं इसके लिए आप 2000 भी लिख सकते हैं 2000 ईस्वी पूर्व ये समय इसका प्रथम चरण का मानते हैं। द्वितीय चरण के लिए लिखते हैं 2765 से 500 ईस्वी पूर्व 2765 से
500 ईस्वी पूर्व, और तृतीय चरण की जब बात करते हैं इसके अलावा कहीं कहीं ये 2000 से 500 ईस्वी पूर्व भी माना गया है, और तृतीय चरण की बात करते हैं तो 500 ईस्वी पूर्व से जो है 4वीं सदी ईस्वी पूर्व तक। इसका समय माना गया है। तो ये तीन चरण जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं। विद्यार्थियों, बाबर के उत्खनन में पाषाण उपकरणों के साथ साथ मानव कंकाल भी प्राप्त होते हैं। तो हमने सबसे पहले बाबर सभ्यता की बात की, तो ये इस समय की है। मानव की उत्पत्ति जो है वो इसमें इस समय है। अस्तित्व या पल्लवित या पुष्प विकसित इस समय रही है। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में कस्बे की कस्बा है, यहाँ स्थित मानी गई है। कुछ लोग जो है मंडलगढ़ तहसील भी बताते हैं। कोठारी नदी के तट पर है, जो बनास की सहायक नदी है। इस समय जो है इसे खोजा गया है और इन विभागों की सहायता इसमें की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अब जो है किसी भी सभ्यता की बात करते हैं तो उस सभ्यता के अंदर प्राप्त अवशेष क्या क्या है। तो यहां से हमें सबसे पहले बाबर से प्राप्त उपकरण या अवशेष, और इनमें सबसे प्रथम है मानव कंकाल भी 5 के करीबन संख्या में मिले हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहां से लघु पाषाण उपकरणों में ब्लेड छिद्रक, ये तो है विस्तृत रूप में। अगर अवशेषों की बात करोगे उसमें भी लघु अवशेषों में बात करते हैं ब्लेड छिद्रक स्क्रैपर, ब्लेड छिद्रक स्क्रैपर। इसके अलावा जो है बेधक और चांद्रिक, बेधक और चांद्रिक, यह जो है स्थल यहां से यह यहां से लघु जो है उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। ये पाषाण उपकरण किसके बने हुए हैं? ये सारे के सारे जो लघु उपकरण हैं या लघु अवशेष या लघु उपकरण इन्हें जिन्हें कह रहे हैं, ये किसके बने हुए हैं? पाषाण के। पाषाण का मतलब पत्थर, तो अर्थात पत्थर के बने हुए हैं लघु उपकरण। और वैसे जो है पत्थरों में भी अलग अलग प्रकार के पत्थर जिन्हें चर्ट, जेस्पर, क्वार्ट्ज़, कौन से पाषाण के हैं? चर्ट, जेस्पर, क्वार्ट्ज़। ठीक है, इन इन प्रकार के जो है कीमती पत्थरों से ये प्राप्त होते हैं। ये छोटे उपकरण संभवतः किसी लकड़ी या हड्डी के बड़े टुकड़ों पर आगे लगा दिए जाते थे। तो यह जो जिन्हें ब्लेड छिद्रक स्क्रैपर बेधक या चांद्रिक कह रहे हैं, इन्हें कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि लकड़ी के आगे इन्हें लगा दिया जाता था। ये उपकरण जो है वह मांस को जो है काटने, छीलने, छेद करने, इनमें जो है वह विशेषता उपयोगी रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इन उपकरणों को मछली पकड़ने, जंगली जानवर करने, तो सीधी सीधी बात है कि इनका आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि इनका रोल क्या है। तो इनका जो उपयोग है वह उपयोग मछली पकड़ने, शिकार करने,
या जो है जानवरों को छीन ले, उनमें छेदन कर ले, जानवरों को छीन ले व छेदन करने में इनका उपयोग देखने को मिला है। ध्यान रखिए, बागोर सभ्यता को जो है वो पाषाणकालीन सभ्यता में गिनते हैं। मुख्यतः यहाँ से जो है वह लघु उपकरण प्राप्त हो रहे हैं, और ये लघु उपकरण जो है वो शिकार करने में मनुष्य की सहायता करते थे। मनुष्य के द्वारा इनका जो है निर्माण शिकार करने में उपयोग लेने में किया गया है। यह तो हो गए आपके प्रथम चरण के उपकरण, ठीक है। अब द्वितीय चरण के उपकरण की बात करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहां तक तो समझ में आया होगा कि बागोर की सभ्यता के अंदर प्रथम चरण के अंदर जो उपकरण या अवशेष मिले उनमें मानव कंकाल भी है, और उनमें जो है लघु उपकरण जो है उनके नाम यह है। अब द्वितीय चरण की बात करते हैं, तो इसे हम मिटा देते हैं ताकि आपको जो है कहीं कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। इसको जो है उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। अब ये प्रथम चरण जो है 3 चरणों में संपन्न हम मान रहे हैं, तो प्रथम चरण की हमने बात कर ली। अब द्वितीय चरण की बात करते हैं, और द्वितीय चरण के अंदर हम जो है देखते हैं कि उत्खनन से हाथ के बने हुए मृदभांड और ताम्र उपकरण मिल रहे हैं। एक तो हाथ के बने मृदभांड और ताम्र उपकरण यहां से प्राप्त हो रहे हैं। इसमें सुई और त्रिभुजाकार शस्त्र प्रमुख है। तो हाथ के बने ताम्र उपकरण में एक तो सुई और त्रिभुज आकार के उपकरण प्रमुखता प्राप्त होते हैं। हम द्वितीय चरण की बात कर रहे हैं। बागोर सभ्यता जो है उसको 3 चरणों में संपन्न माने गए, उनका टाइम पीरियड अभी हमने लिखा था, और उसमें अब द्वितीय चरण की बात करें जिसमें हाथ के बने हुए मृदभांड और ताम्र उपकरण की बात कर रहे हैं। हाथ के बने हुए ताम्र उपकरणों में सुई और त्रिभुजाकृति के जो है वो शस्त्र हमें त्रिभुजाकार शस्त्र हमें यहां से देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो है इस चरण में मकान के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मकान के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो है यहां से हमें मनुष्य के अस्थायी जीवन की जानकारी मिल रही है। कुछ जली हुई हड्डियां और मांस भुने जाने के प्रमाण मिल रहे हैं। तो मनुष्य के स्थायी जीवन की जानकारी, और ये जानकारी कैसे मिलेगी कि मनुष्य ने स्थायी जीवन दिया है। यहां से जो है वह जली हुई हड्डियां, जली हुई हड्डियां और मांस को भुने जाने के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। जली हुई हड्डियां यह जानकारी दे रही है, मांस को भुने जाने के से हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है अग्नि में मांस को पकाकर खाया गया है, और यहाँ मनुष्य स्थायी जीवन जीने लग गया था। तो इस काल जो है इसके अंदर मनुष्य मांसाहारी है और कृषि करना, क्योंकि स्थायी जीवन जो है वो कृषि होने से ही प्रमाणित तो होता है। तो कृषि की जानकारी और साथ साथ में मांसाहारी होने की जानकारी, मांसाहारी, तो यह हो गया कृषि का मतलब शाकाहारी, ठीक है। तो अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में घुमा कर प्रश्न पूछ ले कि बागोर सभ्यता है किस श्रेणी में रखी गई है, मांसाहारी या शाकाहारी श्रेणी में, तो दोनों में है। देख लो कि शाकाहार है तभी कृषि कर रहे हैं और तभी स्थायी जीवन बिता रहे हैं, ठीक है, और तभी नदी के तट पर बस रहे हैं खेती के लिए, और जली हुई हड्डियां जो है वो मांस, वो गुने हुए जो है मांस की जानकारी मिल रही है, तो अर्थात मांसाहारी भी है। दोनों ही प्रकार के जीवन की जानकारी हमें ठीक है मिल रही है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं और उत्खनन से तृतीय चरण की बात करते हैं, इसे आप मिटा देते हैं तो यह देखते हैं कि बागोर जो है यहां से अटीय के अवशेष बहुत कम प्राप्त हो रहे हैं और इसीलिए जो है यह चरण कृषि प्रधान चरण माना गया है। और इसके अलावा जो है इस स्तर से लोह अस्त्र प्राप्त हुए हैं और मृदभांड मिले हाथ के बने हुए न होकर कुम्हार के द्वारा बने गए चाक पर हैं। तो यहां से कृषि प्रधान समाज भी मिल रहा है और चाक पर बने मृदभांड यहां से प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा लोहास्त्र यानी अब लोहे की जानकारी, तो देखो बागोर सभ्यता के अंदर तांबे के, कांसे के और अब लोहे के उपकरण भी प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि यहां से जो है जो चाक पर बने हुए बर्तन जो है यह पहले के बने बर्तनों बर्तनों की तुलना में हल्के हैं। तो इससे पहले वाले जो बर्तन प्राप्त हो रहे थे वे अपेक्षाकृत जो है वो भारी थे, यह हल्के हैं। बागोर उत्खनन में जो है वो स्पष्ट मानव कंकाल भी प्राप्त होते हैं और शव को दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में लिटाया जा रहा था। तो यहां से जो है वह मानव कंकाल जो है वह प्राप्त हो रहे हैं और शव जो है उसको शव को दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम में लिटाया जाता था, दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम इस प्रकार शव को जो है वह दफनाते थे, दफनाया जाता रहा है। ठीक है, मृदभांड द्वितीय और तृतीय चरण के जो उत्खनन से प्राप्त हुए इनमें तस्तरिया कटोरे जो मृदभांड मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं उनमें तस्तरिया कटोरे थाली और चौड़े मुंह के घड़े बोतल आदि मिल रहे हैं। मृदभांडों पर रेखाएं नहीं है, इन पर उपकरणों का अभाव है। तो विद्यार्थियों जो है बागोर सभ्यता के अंदर इस जो मिट्टी के बर्तन है वह जो है उन पर रेखाएं कहीं नहीं मिल रही, मिल भी रही है और अलंकरण जो है उसका इन पर अभाव है। तो द्वितीय चरण के जो बर्तन है उन बर्तनों पर जो है अलंकरण देखने को नहीं मिलता है। तो कंपटीशन एग्जामिनेशन में अगर आपको कहीं पूछ ले कि बागोर सभ्यता के जो बर्तन है उन बर्तनों पर क्या वह सादे हैं या वह अलंकृत है, तो आपको इसमें जवाब सादा का देना है, अलंकृत नहीं है। इसके अलावा जो हम बात करते थे तो यहाँ से हमें जो है द्वितीय और तृतीय चरण से मकान की जानकारी भी मिल रही है और मकान जो है वो पत्थर के मिलते हैं। ठीक है, तो प्रथम अवशेष जो है द्वितीय और तृतीय चरण से जो अभी मैंने कहा मृदभांड मिल रहे हैं वह मृदभांड अलंकरण युक्त नहीं है। एक प्रश्न यह पूछ सकते हैं और प्रथम और द्वितीय चरण के अंदर जो मकान मिल रहे हैं यह मकान पत्थरों के बने हुए हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं आज के द्वारा आज मेरे द्वारा जो आपको ये बागोर से संबंधित जानकारी जो दी गई है यह जानकारी बहुत
क्लियर क्लियर समझ में आई होगी। और इससे संबंधित और कहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं तो हम आगे हैं इसमें इसकी चर्चा भी जो है वो साथ साथ में करते रहेंगे। इसके बाद में अब जो नेक्स्ट है वह नेक्स्ट पढ़ेंगे उत्तर पाषाण काल और साथ साथ में ताम्रयुगीन सभ्यता और काश्ययुगीन सभ्यता जो राजस्थान में मिलती है, और उसके बाद में कहीं राजस्थान के अंदर लोह संस्कृति भी मिल रही है तो उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्हें पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में पढ़ते रहिए। और जो भी जो है जानकारी आपको और कहीं से भी संबंधित हमारे विषय से मिलती है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।